दिल्ली हिंसा मामले में भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने के मामले को दिल्ली हाईकोर्ट की नई बेंच ने गुरुवार को टाल दिया। इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दे दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी। साथ ही हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को दिल्ली हिंसा मामले में पक्षकार भी बना दिया है। इससे पहले केंद्र और दिल्ली पुलिस के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि अभी नेताओं पर FIR दर्ज करने का सही समय नहीं है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि सिर्फ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा और भाजपा नेता कपिल मिश्रा के ही भाषण भड़काऊ नहीं है और ये भाषण तो 1-2 महीने पहले दिए गए थे। इस केस में बुधवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि वो दिल्ली में एक और 1984 नहीं होने देंगे। लेकिन गुरुवार को इस केस की सुनवाई दूसरे जजों ने की। ये हैं दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस C हरिशंकर। इससे पहले बुधवार शाम ही जस्टिस मुरलीधर के तबादले का ऑर्डर आ गया, जिसे सरकार ने रूटीन बताया, जबकि दूसरे जज जस्टिस तलवंत सिंह भी बेंच में नहीं रहे।